नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुजरात की रैली में खड़गे के बयान पर भड़के प्रधानमंत्री मोदी का, कांग्रेसियों ने मुझे 100 सिर वाला रावण बुलवाया। पीएम बोले, जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही अधिक खिलेगा कमल। गुजरात ने मुझे जो ताकत दी है वो कांग्रेसियों को कर रही है परेशान। गुजरात चुनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बड़ा दावा, कहा मिलेगा 2/3 बहुमत। पीएम ने बदली राजनीति की परिभाषा। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आताब का नार्को टेस्ट हुआ पूरा, हत्या का कबूलनामा, हथियार का पता बताया, रिपोर्ट का इंतजार। आईएमएस के सर्वर के बाद जल शक्ति मंत्रालय का ट्विटर हैंडल हैक, सिक्योरिटी एजेंसी और साइबर एक्सपर्ट जांच में जुटे। हवाई अड्डे के चेक पॉइंट पर अब चेहरा ही होगा बोर्डिंग पास, नागरिक उड़न मंत्री सिंधिया ने लॉन्च की डिजी यात्रा सुविधा। अभी दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर शुरू की गई सुविधा, एयरपोर्ट पर बोर्डिंग प्रक्रिया को तेज और निर्बाध बनाएगी डिजी यात्रा। लोकसभा सदस्यों ने 20 निजी विधेयक पेश करने का दिया प्रस्ताव, सभी सरकारी कार्यक्रमों के दौरान मांसाहारी भोजन परोसने की उठी मांग। दक्षिण 24 परगना के काशीपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, घर से भारी मात्रा में बारूद और सॉकेट बम बरामद, 3 गिरफ्तार। बाल यौन शोषण के ऑनलाइन प्रसार के खिलाफ सीबीआई का छापा, इंटरपोल के इनपुट पर दिल्ली तिरुचिरापल्ली में की कार्रवाई। सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, का चुनावी राज्यों में पीएम मोदी से पहले पहुंचती है ईडी। तेलंगाना के दो किन्नर डॉक्टर प्राची और रुति जॉन पाल ने रचा इतिहास, हैदराबाद के सरकारी अस्पताल के बने चिकित्सा अधिकारी। मुंबई की सड़कों पर कोरियन महिला यूट्यूबर के साथ छेड़छाड़, महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपी दो युवकों को किया गिरफ्तार। उबर कैब में सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए फीचर्स किए गए शामिल, राइड चेक फीचर, सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ हुए कई अपडेट। भोपाल में बिन बुलाए शादी में खाना खाने पहुंचा एमबीए का छात्र, पकड़े जाने पर बर्तन धोने की मिली सजा, वीडियो वायरल। गुजरात के गोधरा में इमरान प्रतापगढ़ी की सभा में हुआ बवाल, असदुद्दीन ओवैसी पर टिप्पणी करते ही आपस में भिड़े समर्थक। आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल और ट्विटर के बीच सुलझा मतभेद, ट्विटर को ऐप से हटाने के बयान को मस्क ने बताई गलतफहमी। गाजियाबाद में लिफ्ट में 25 मिनट तक फंसी रही 3 बच्चियां, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मुकदमा दर्ज। महिला ने बीआरडी अस्पताल के डॉक्टरों पर लगाया आरोप, का बिना बेहोश किए हाथ पैर बांध कर किया ऑपरेशन। झिंगजम में शांति भंग करने के इरादे से किया गया था हमला, केरल के सीएम विजयन बोले पुलिस ने भांप लिया खतरा। जेल में बंद सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस, दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। ईसा के खुर्दा में खड़े ट्रक से कार की भीषण टक्कर, हादसे में मौके पर सभी 4 लोगों की गई जान। शादी के चंद घंटों बाद हॉलीवुड सिंगर जेक फ्लिन का निधन, सदमे में पत्नी और परिवार, मौत के कारणों की हो रही है जांच। पीएम योगी ने G20 की अध्यक्षता संभालने पर पीएम मोदी को दी बधाई, बोले मानव केंद्रित वैश्वीकरण की दिशा में नए प्रतिमान रच रहा देश। भारत के G20 की अध्यक्षता संभालने के मौके पर बोले एस जयशंकर, का लड़कर नहीं मिलकर निकाला जा सकता है चुनौतियों का समाधान। कोल इंडिया ने अप्रैल नवंबर में 41 करोड़ टन किया कोयले का उत्पादन, कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में निर्धारित लक्ष्य पार कर लेने की जताई उम्मीद। कांग्रेस ने मंगलुरु में शिवाजी की प्रतिमा लगाने के फैसले का किया विरोध, नेताओं ने लगाया सीमा विवाद से ध्यान भटकाने की साजिश का आरोप। 184 अंक की बढ़त के साथ 63,284 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स, 54 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 18,812 अंक पर पहुंचा निफ्टी। म्यांमार में 2 साल कैद में बिताने के बाद लौटे ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री सीन टर्नल का ऑस्ट्रेलिया की संसद में नायक की तरह हुआ स्वागत। असम में शुक्रवार से शुरू होगा पहला सिलहट सिलचर महोत्सव, भारत और बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का मनेगा जश्न। UGC अध्यक्ष जगदीश कुमार ने नई शिक्षा नीति पर किया दावा, बोले शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से विश्व में उत्प्रेरक बनेगा भारत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की कोयला खदान में गैस विस्फोट, हादसे में 9 मजदूरों की गई जान, 4 अन्य घायल। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने राजस्थान सरकार को बताया विकास विरोधी, बोले गहलोत सरकार ने विकास को रोकने में नहीं छोड़ी कोई कसर। हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन करने नागालैंड पहुंचे उपराष्ट्रपति धनखड़, कोहिमा में पहले द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े कब्रिस्तान जाकर देंगे श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने कच्चे तेल के दामों में गिरावट को लेकर केंद्र पर कसा तंज, बोले 10 रुपए तक हटाए जा सकते हैं दाम, लेकिन नहीं होगा अच्छा काम। वाहन कंपनियों के लिए अच्छा रहा नवंबर, बिक्री में आया उछाल, 39% बढ़कर 14,561 इकाई पहुंची अशोक लीलैंड की बिक्री। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बनाया गया चलित पुस्तकालय, इतिहास और जाने माने नेताओं के जीवन पर रखी गई पुस्तकें। हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी के वीडियो के प्रसारण पर लगाई रोक, वीडियो में महिला के साथ आपत्तिजनक हरकतें करते दिखे थे जज। हाईकोर्ट ने जज को निलंबित कर जांच के लिए बनाई समिति, रिपोर्ट आने के बाद जज के खिलाफ की जाएगी उचित कार्रवाई। त्रिपुरा के चारिलाम में माकपा और भाजपा कार्यकर्ताओं में संघर्ष, पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 4 को किया गिरफ्तार।
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में सांसद शशि थरूर की बढ़ सकती है मुश्किलें। निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ पुलिस ने दायर किया अपील। नोएडा में कैब में छूटे आभूषण भरे बैग को पुलिस ने किया बरामद। बेटी की सगाई के लिए लंदन से ग्रेटर नोएडा आया था प्रवासी भारतीय। दिल्ली में 3 दिन तक शराब की बिक्री पर रहेगी पाबंदी। नगर निगम चुनाव को लेकर 2 से 4 दिसंबर तक रहेगा प्रतिबंध। श्री श्री रविशंकर द एम श्री ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित आध्यात्मिक गुरु को अमेरिकी शहर मेम्फिस में दिया गया सम्मान। सीमा विवाद को लेकर कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई का बड़ा बयान, बोले उच्चतम न्यायालय में महाराष्ट्र की याचिका सुनवाई योग्य नहीं। कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के लिए नहीं खुलेगा अलग कॉलेज, बसवराज बोम्मई ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव से किया इनकार। जीएसटी राजस्व में नवंबर महीने में 11% की बढ़ोतरी, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों में 1,40,00,000 एकत्रित हुआ टैक्स। एप्पल का नकली आईफोन 13 बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, नोएडा के थाना सेक्टर 63 पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी गेंदबाज रऊफ को विराट से छक्के खाने का दुख नहीं, कहा अगर यही हार्दिक या कार्तिक मारते तो बुरा लगता। विश्व कप में अर्जेंटीना ने पोलैंड को 2-0 से हराया, दोनों टीमें अंतिम 16 में पहुंची, सऊदी अरब मैक्स को बाहर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।